हेलो दोस्तों, एवलिनिंगमा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या हो अगर एक सुनसान लाइब्रेरी में आप शांत बैठे हो और तभी अचानक उस शांति में आपके कान में कोई चिल्ला दे, तो आपका क्या होगा, क्या करोगे आप? क्योंकि ऐसी शांति भरी जगह के बारे में हम आज बताएंगे जहाँ शांत रहना अनिवार्य होता है, पर भूतों को शायद ये बात समझ नहीं आती। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। दहशत भरी लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी भारत की नेशनल लाइब्रेरी है और कोलकाता में स्थित है। कोलकाता आज भी ऐसा शहर है जहाँ ट्राम चलती है और यहाँ ब्रिटिश एरा आज भी महसूस किया जा सकता है। पर इन सब के बीच ये लाइब्रेरी ऐसी है जहाँ ब्रिटिश के टाइम के सीक्रेट्स आज भी यहाँ मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लाइब्रेरी में डोरलेस चैम्बर डिस्कवर हुआ है और वो चैम्बर अभी हाल ही में ही बहुत सुर्खियों में था। पहले बात करते हैं इस लाइब्रेरी की। ये लाइब्रेरी ऐसी है जहाँ बहुत पुरानी और बहुत सारी किताबें हैं, पर इन किताबों के बीच यहाँ होती पैरानॉर्मल घटनाएं भी हैं। यहाँ ऐसी घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं जो इंसान की रूह कपा दे। शांत रहना लाइब्रेरी में अनिवार्य है, पर इस शांति में चीखे निकाल दे ऐसी घटनाएं भी हैं। दरअसल यहाँ पर अपने आप बुक्स गिरना बुक शेल्फ से आम है। बुक्स के अंदर अपने आप बदलते पेज। शांत रहने पर भी लाइब्रेरी में खुसुर फुसुर की आवाजें नोटिस की गई है। इतना ही नहीं, एक आत्मा को कई बार इस लाइब्रेरी के शेयर्स में देखा गया है। यहाँ तक कि कई लोगों का दावा है कि लाइब्रेरी में एक आत्मा को देखा गया है जो किताबों पर डस्टिंग करती हुई दिखती है। दिन के समय तो एक्टिविटीज यहाँ होती ही है, पर रात में यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं, और इसलिए इसे कोलकाता की हॉन्टेड जगह मानते हैं। पर कुछ समय पहले यहाँ एक चैम्बर डिस्कवर किया गया और माना जाता है कि वहाँ बोन का टुकड़ा मिला था। साथ ही साथ वो चैम्बर कहाँ खुलता है किसी को नहीं पता, पर ये चैम्बर बहुत पुराना है और ब्रिटिश एरा से है। इस जगह में एक्टिविटीज का कारण बताया जाता है कि यहाँ इस बिल्डिंग को जब नेशनल लाइब्रेरी नहीं घोषित किया गया था, तब यहाँ ब्रिटिश गवर्नर रहा करते थे और साथ में उनकी वाइफ भी रहा करती थी। कहते हैं कि वो बहुत सफाई प्रेमी थी, इसलिए उसे इस बिल्डिंग को साफ रखना आज भी बड़ा पसंद है, और डस्टिंग करती हुई महिला को यहाँ देखा गया है। पर बाकी एक्टिविटीज का कारण यहाँ चैम्बर से कनेक्ट किया जाता है। अब इस चैम्बर के बारे में हम आपको और जानकारी बताते हैं जिसकी वजह से यहाँ बाकी एक्टिविटीज होती है इस लाइब्रेरी में। ये चैम्बर बिल्डिंग के साथ ही बनाया गया था बिना कोई एंट्रेंस के। कोई छुपा हुआ सीक्रेट एंट्री पॉइंट भी नहीं मिला, तो कहा जाता है कि इस एरिया को जरूर सील करवाया गया होगा और 200 साल से ये जगह अनदेखे में रही। इसका राज पता चल सकता है अगर हम समय में थोड़ा और पीछे जाएं और इसकी जड़ तक पहुंचे। 1760 में मीर जफर ने ये बिल्डिंग बनवाई थी जब उनसे मुर्शिदाबाद की राजगद्दी छीन ली गई थी और इसको बेल्वेडिया हाउस का नाम दिया गया। फिर ये बिल्डिंग इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स को दे दी गई और वो अपनी बीवी के साथ यहाँ रहने आ गए। जी हाँ, आप सही समझे, वो औरत ही सफाई प्रेमी थी। कुछ साल बाद गवर्नर की बीवी और उनके दो नवजात बच्चों की मौत हो गई। एक थ्योरी ये भी आती है कि गवर्नर ने वो चैम्बर अपनी बीवी और बच्चों की कब्र के लिए बनवाया था। 20 साल बाद 1780 में गवर्नर ने ये घर बेच दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। 1854 में ये बंगाल के वाइस गवर्नर का ऑफिशियल रेजिडेंस बन गया। तब से यहाँ इतने वाइस गवर्नर बदले जैसे किताब के पन्ने पलट रहे हो। 1911 में ब्रिटिश कैपिटल दिल्ली शिफ्ट हो गई और आजादी तक ये बिल्डिंग वीरान पड़ी रही। फिर इसको नेशनल लाइब्रेरी में बदल दिया गया। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस चैम्बर की खोज की और बहुत कोशिश की कि कोई ओपनिंग मिल जाए या कोई सबूत मिल जाए, लेकिन एक सिंगल एविडेंस तक यहाँ नहीं मिला सिवाय उस हड्डी के। अगली थ्योरी आती है कि हास्टिंग इसको डेथ चैम्बर की तरह इस्तेमाल करते थे। ब्रिटिशर्स में कैदियों को यहाँ टॉर्चर किया जाता था। सोर्सेज के अनुसार ये डेथ चैम्बर से काफी मिलता जुलता है, तो यही सबसे बड़ा रीजन हो सकता है उन बाकी हॉन्टिंग्स का। और यहाँ पर कई कैदियों की आत्मा को शांति नहीं मिली और आज तक कैदियों की आत्मा उधर ही भटक रही है। अब बस एक ही रास्ता था कि उस चैम्बर में एंट्री बनाकर अंदर जाया जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रीजनल डायरेक्टर डीवी शर्मा ने कहा कि बिल्डिंग की हालत देखकर इतनी तोड़फोड़ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर पाइप ड्रिल करके अंदर कैमरा भेजा जाएगा। लेकिन लाइब्रेरी की अथॉरिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इधर ड्रिलिंग नहीं कर सकती क्योंकि बिल्डिंग का काफी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। इस बात पर बहुत कमिटीज बैठी और काफी डिबेट्स हुई, और तो और इस मैटर पर ब्रिटिशर्स को भी इन्वॉल्व किया गया था।
इन सब बातों को 10 साल हो चुके हैं और कोई नतीजा आज तक नहीं लिया गया। आखिर क्या हो सकता है इसके अंदर जो इसको सील करना पड़ा, और क्या रीजन होगा जिसके लिए अथॉरिटीज ड्रिलिंग के लिए मना कर रही है? ये बात आज तक राज ही है। आप लोगों को ये हॉन्टेड लाइब्रेरी कैसी लगी और क्या आप इस लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना पसंद करेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जहां आपको रेगुलर मिस्टीरियस फैक्ट्स मिलते रहेंगे। हमारे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।